नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। रुक करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के विधायक अमानतुल्ला खान के ठिकानों पर छापे मारे हैं। आधिकारिक सूत्रों के यह जानकारी के मुताबिक खान दिल्ली विधानसभा में ओखला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की जांच की जा रही है। सूचना के अनुसार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के प्रावधानी के तहत छापेमारी कर रही है और करीब 3 ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। संघीय जांच एजेंसी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी नियुक्तियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में खान के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक प्राथमिकी और दिल्ली के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी एसीबी की एक प्राथमिकी पर संज्ञान लिया है। खान को सितंबर 2022 में दिल्ली एसीबी ने गिरफ्तार भी किया था। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 तक छापेमारी जारी रहेगी। महाराष्ट्र में 10 से 12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है और ईडी के पास अजित पवार का केस था, एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था, कई नेता जेल जाने वाले थे। क्या ईडी उनके पास जा रही है? जो विपक्ष में है उनके पास ही ईडी सीबीआई आईटी जाती रहेगी और ये चलता रहेगा। देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं प्रमुख, उनके ऊपर रेड 2024 तक होती रहेगी। महाराष्ट्र में हमने 10 या 12 लोगों का लिस्ट विथ एविडेंस दिया है ईडी के पास। जरंडेश्वर का क्या हो गया, राहुल कुल के फैक्ट्री का क्या हो गया, 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, दादा भूसे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, लगभग 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है, राधाकृष्ण विखे पाटिल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके लोगों ने सामने लाया है। आप बताइए क्या होगा उनका? अजित पवार का केस था ईडी का, एकनाथ शिंदे का केस था ईडी का, और कितने नाम मैं गिनूं? अब हसन मुश्रिफ तो जेल जाने वाले थे और अभी भी जा सकते हैं, क्या ईडी उनके पास पहुंच रही है अभी? लेकिन जो अपोजिशन में है उनके ऊपर ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, इनकम टैक्स जाएगा, जीएसटी वाले जाएंगे, ये चलता रहेगा, ये दोगली नीति है। आचार संहिता को लेकर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि क्षेत्र के सभी आयोजन का आचार संहिता लगते ही रद्द कर दिया गया था, इसके चलते उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। चलिए सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। उसमें संगठन अपने स्तर पर जो जानकारियां एकत्रित कर रही है, बहुत सारे में सर्वे रिपोर्ट जो मैच कर रहे हैं उसको सबको ओके कर रहे हैं, जिसका जिसका डाउटफुल है उसको अभी ओके हो गया, तो अधिकांश सीट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कुछ ही बचा हुआ है जो सही समय पे सब क्लियर करके जा रही है। उसमें दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विदेश मंत्री एस जय शंकर भी मौजूद रहे। मिस्टर मोदी, दिस वॉज दी कनेक्ट बिटवीन आवर वेस्टर्न कोस्ट लाइन द स्टेट ऑफ गुजरात and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. With India already as the fifth largest economy, the Indian government is vigorously pursuing sweeping reforms aimed at ensuring inclusive growth. India has grown as an economic powerhouse, and this offers opportunities to businessmen from Tanzania to
to be part of our growth story. While India is one of the fastest growing economies of the world, Tanzania has also displayed impressive economic performance. This offers enormous opportunities for further cooperation and convergence between the two countries, and I should say we are really limited only by our ambition. Our engagement with Tanzania, indeed with all of Africa, continues to be guided by the 10 principles enumerated by Prime Minister Modi in July 2018. In essence, it is cooperation based on our partners' priority. In the contemporary era, the center of gravity is now moving towards the Indo-Pacific, and that also encompasses the east coast of Africa. Guided by our SAGA policy, we engage Tanzania as a littoral neighbor. Our cooperation can make a notable contribution to maintaining peace, prosperity, and security, and ensure secure, free, and open shipping lanes in the Indian Ocean. So, friends, real partnerships are driven by exchanges of experience, which identify and constantly refresh collaborative opportunities. Those who are a living bridge in this regard hold a particular value for our ties. In the person of the Honorable President Samia Suluhu Hassan, we have today amidst us exactly such an inspiration. This conferment, I'm very confident, is a message that relations between our two countries will continue to further grow. पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र में 90 बाघ विचरण कर रहे हैं। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 3 गेटों से प्रवेश खुल चुका है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघ के दीदार अब आसानी से हो रहे हैं। वहीं आज 5 बाघ पानी में अटकेलियां करते हुए दिखाई दिए, जिसे रोमांचककारी वीडियो को पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरी माटी मेरा देश के कलश यात्रा के दौरान चौकी इंचार्ज के देर से पहुंचने पर बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा चौकी इंचार्ज पर भड़क गए और विधायक ने गुस्से में इंचार्ज से फटकार लगाते हुए कहा कि कल बताएंगे आप कहां थे, जिसके बाद विधायक का यह धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो 96 ब्लॉक के कार्यक्रम का विजयपुर चापलूसी मत कराइए उन लोगों की शुरुआत की जाए बताएंगे कि कल आएंगे और अभी कुछ दिन पहले इसी ऑक्सीजन के लिए अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई और जिसके चलते लाठी डंडे भी चले। जहां मारपीट में गंभीर तौर पर जख्मी हुए एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामला नसीराबाद थाना इलाके के कुमरान के पूर्वा का बताया जा रहा है। यहां 2 सगे भाई मतई और लालता का अपने मामा के लड़के कुबेर से घर में सहन को लेकर विवाद था। 1 महीने पहले पुलिस और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे सुलझा भी दिया था। इसको लेकर आज माता व कुबेर की पत्नी के बीच विवादित स्थल पर लकड़ी रखने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते कुबेर के पक्ष से कई लोग आ गए और मतई व लालता को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे भाई को मार दाए सब कोई मिलके, हमारे मामा के लड़का यहाँ थाने में आए भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 10 बजे से बैठे थे, कोई नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, ना कोई सुनवाई। जब ज्यादा हालत खराब हुई तो भैया हमारे यहाँ भेजे फिर यहाँ लेके आए। हम भैया 2 घंटे के बाद खत्म हो गए, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं भैया। क्या लग रहा, पुलिस की लापरवाही? हाँ सर, पुलिस की लापरवाही। चौथी बार मारे हैं, चौथी बार मेरे भैया के लिए मार दें।
अच्छा किस लिए मारपीट हुई? लकड़ी वगैरह जैक लकड़ी द्वार रखे थे वही हटाने के लिए बोले नहीं बोले, फिर पेड़ लगा रहे थे पेड़ के लिए मना किए, लगे सबको ही मिलकर मारता है भैया कमरे। कितने लोग घायल हैं? दो भाई, एक मर गया एक घायल है सीरियस है। हमारे भाई को मार दाए सबको ही मिलके, हमारे मामा के लड़का यहाँ थाने में आए भैया, कोई सुनवाई नहीं हुई, 10 बजे से बैठे थे कोई नहीं कोई इलाज नहीं। आज प्रातः 10:30 बजे के आसपास पीआरबी को एक इवेंट मिला कि कुम्हारन कपूरवा में भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है। उक्त सूचना पर पीआरबी मौके पर पहुंची तो वहां पर दो मजरूह थे जिनको पीआरबी द्वारा तत्काल सीएससी नसीराबाद लाया गया, नसीराबाद से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिसमें कि जो एक बीच वाले भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनके अनुसार आज घटना का तात्कालिक कारण तीन भाइयों में से जो बड़ा भाई है रामगोपाल, उसकी पत्नी और बीच वाले भाई के बीच में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर वो विवाद बढ़ता गया और उसमें ये घटना हो गई। पृष्ठभूमि में एक भूमि विवाद का प्रकरण है किंतु उसके विषय में 1 महीने पहले बताया जा रहा है कि पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर गई थी और दोनों पक्षों को समझा दिया गया था, उनका सहन की जगह को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था भाइयों में। एक पक्ष में तीन भाइयों में से दो भाई एक तरफ है और एक तरफ बड़ा भाई और मामा के लड़के हैं, इनका एक पारिवारिक डिस्प्यूट था। लेकिन आज घटना का जो तात्कालिक कारण था वह प्रातः दोनों देवर और भाभी के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ जिससे ये घटना कारित हुई। आज प्रातः 10:30 बजे के आसपास पीआरबी को एक इवेंट मिला कि तुम्हारा अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली में सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार भिड़ने से भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में बाइक सवार में एक भाई की मौके पर मौत हो गई है वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि सड़क हादसा अंधेरा होने की वजह से हुआ, बाइक सवार ट्रक में जा भिड़े जिसकी वजह से यह सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, यहां ट्रैक्टर से उतरते समय गर्भवती के पेट में कील घुस गई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और इस हादसे में उसका पेट फट गया, वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गई। इससे मौके पर चीख पुकार भी मच गई, मौजूद लोगों ने महिला को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया है और यहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बाह थाना क्षेत्र के चांगालू में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ट्रैक्टर से उतरते समय इस महिला के साथ यह हादसा हुआ, जब उतरते समय उसके पेट में सीट के पास लगी कील फंस गई और पेट में लग गई जिससे उनका पेट 6 इंच फट गया। इस गंभीर हालत में इलाज के लिए एसएस मेडिकल कॉलेज आगरा महिला को भेजा गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जनपद बुलंदशहर के काला आम चौराहा स्थित राजे बाबू पार्क में 6 वर्ष सुशासन विकास रोजगार मेले का शुभारंभ कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 दिन के लिए इसे मेले का आयोजन किया गया है जिससे कि लोगों को सरकार की 6 साल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही बता दें कि इस मेले को सफल बनाने का करीब 3 दिन से बुलंदशहर सूचना अधिकारी चांद मियां द्वारा किया जाता और वहीं अथक प्रयास, लेकिन 3 दिन के अथक प्रयास के बाद कार्यक्रम सफल रहा है और इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट विवेक कुमार मिश्रा एसडीएम सूचना अधिकार सहित मौजूद रहे। इस
ये है कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से सकारात्मक हो करके विकास के जितने भी आयाम हैं उसमें नित नए आयाम को छू रहा है। उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्रों में या तो नंबर एक है या नंबर दो है, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश की ये विकास यात्रा चल रही है। हमारे आमजन भी वो विकास यात्रा कैसी है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं, आम जनमानस भी इसको देख पाए। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक यहाँ प्रदर्शनी लगाई है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि वो इस पार्क में आएँ और इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और जो उत्तर प्रदेश की ये बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही गौरवमयी विकास यात्रा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, स्वयं उससे शिक्षित हों, अपने बच्चों को शिक्षित करें और ये बताएं कि कैसे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की के साथ ओयो होटल में गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि गन पॉइंट पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने लड़की की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि लड़की घर जा रही थी, इसी बीच बाइक पर आए लड़कों ने उसे तमंचे के नोक पर उठाया और ओयो होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की। वहीं आपको बता दें कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है। एसएसपी राजकुमार ने पूरे मामले पर बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में एक लड़की के साथ होटल में गैंगरेप करने का मामला सामने आया। वहीं पिता की तहरीर के बाद सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैं अपने गांव से आ रही थी स्कूल के लिए, तो दो लड़के थे जो बाइक के पीछे कर रहे थे। एक अटोला आके बैठ गया उसमें और उसने गन दिखाई और फिर जहाँ जहाँ बोला वहीं साइलों पर उतर कर वो बाइक पर बैठा के ले गए होटल में। तीन लोग थे, तीनों ने जबरदस्त। मैं अपने गांव से आ रही थी स्कूल। जनपद मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के संदर्भ में थाना हापुड़ नगर में 376D IPC 307 व पॉस्को एक्ट के अंतर्गत मुकदमा तीन लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। उनका कहना है कि ये घटना जो है एक होटल में हुई है। इस संदर्भ में जो घटना का मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जिस होटल में ये घटना मोदीनगर रोड की बताई गई है उस होटल के प्रबंधक को भी धारा 366A में अरेस्ट किया गया है, जिसमें IPC के अनुसार जो है 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। जो शेष दो अभियुक्त हैं उनके लिए भी टीमें बनाई गई हैं, उनको भी साक्ष्य के आधार पर शीघ्रता से गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है, उसका 164 का बयान भी कराया जाएगा। सारे साक्ष्य संकलित करने के उपरांत जो है जो पंजाब में आए दिन नशे के कारण हर रोज लड़ाई और झगड़ा होते रहता है, क्योंकि पुलिस द्वारा गांव में नशा रखो की कमेटियां बना दी गई है और इस कारण नशा करने वाले या बेचने वालों की नशा रोको की कमेटियां के साथ लड़ाइयां होती रहती हैं। इसी तरह का मामला अब गांव बराज राजगढ़ थाना दयालपुर का सामने आया है, जहां की नशा रोको कमेटी और गांव के एक परिवार की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए हैं। मेरा भरा ये आ रहा गड्डी तो मोटरसाइकिल से आया ही है ना, ये अपने रोड जमा बार दे बेचे नाका लगे हुए बार दे बेचे किसे किधर नाका लगे एक कमेटी वाले जी 7 बंदे है जी, इन्हें 2 लेडीज है 5 बंदे है, ते 2 बंदे साढ़े पहले नहीं बनते, ते इन्हों ने साढ़े बार चलाए हुए 4 गलियां लगती है, 4 गलियां एक गली के साढ़े बार से नाका लाते हैं। ये मेरा ब्रदर आया, इन्होंने पता नहीं की मिती सी, इन्होंने आने सर इन ढाई लिया, मैंने जो बार बार सुनिया
बाजा मारिया सोनी मारता मारता मैं बाहर आया ते तो इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। मैं नया शर्मा आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।